पटना में राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी स्वतंत्र राष्ट्रीय सम्मेलन कर अपने पूर्वजों को प्रेरणा और पुनः जिंदा करने का संकल्प लिया। इस अवसर पर पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक सेठ जी राणा ने राष्ट्रभक्ति का गुणगान गाया। दिवस मनाया गया, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य ने अंतर्राष्ट्रीय शौर्य दिवस मनाया। अपने पूर्वजों के उस सम्मान में, उस स्वाभिमान और जो जिस तरह से त्याग हमारे पूर्वजों ने किया, चाहे किसी भी जाति किसी भी धर्म के व्यक्ति हो, जो जौहर हुआ, जो साका हुआ, वो उन्होंने अपनी जाति के लिए नहीं किया, उन्होंने इस राष्ट्र के लिए किया, अपने सम्मान के लिए किया। आज जिस तरह से हम पूरे अफगानिस्तान में, तालिबान में देख रहे हैं कि महिलाएं अपना सम्मान नहीं बचा पा रही हैं, तो हम उससे विचार कर सकते हैं कि क्या उस समय सिचुएशन रही होगी। अगर माताएं बहनें अपने सम्मान को नहीं बचाती तो वो सम्मान उनका खराब होता, हत्याएं होती, उनके साथ गलत बलात्कार होता। तो जो पुरुष थे उन्होंने अपने अंतिम सांस तक युद्ध लड़कर साका किया, और जो महिलाएं थीं उन्होंने जो है जौहर किया। और मैं सभी उन माताओं के लिए जिन्होंने ऐसा जो है स्वाभिमान के लिए अपने प्राण त्यागे, उनको हम लोग नमन करते हैं और उस को ही आगे बढ़ाते हुए आज हमने उनकी याद में राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी ने, जिससे कि बिहार की जनता को भी जो है अपने इतिहास का जो है गर्व हो, इसके लिए पटना में आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया। जिंदा की तरफ से भाई सेठ सिंह राणा की बहुत अच्छा संपन्न हुआ। इसका उद्देश्य क्या था मनाने के पीछे? क्या इसका यही उद्देश्य था कि जो हमारे पूर्वज लोग किए उनको दबा दिया गया, और जो जैसे अब और नेता लोग अपने अपने मनाते हैं, हमारे को दबाया जा रहा है, उसके लिए किया गया। अन्य पार्टियों के द्वारा जो भी कार्य हुआ उसी को दिखाया गया कि हमारे भी पूर्वज कुछ किए, और उसमें भी हमारी महिलाओं लोग बढ़ चढ़ के की हैं। राष्ट्रवादी लोक पार्टी की आगे क्या योजना बिहार में, क्या कर कुछ करने? राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य आगे का कार्यक्रम बिहार में क्या है? उन्होंने संगठन को खड़ा करना, संगठन को खड़ा करना, सदस्यता बढ़ाना, और ऐसे ऐतिहासिक मुद्दों को बच्चों को याद दिलाना, देश की जनता को याद। परिचय दे दीजिएगा सर अपना। आप मैडम सुना, आज राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी ने शौर्य दिवस मनाया, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज आरजेडी के द्वारा इस तरह से पटना में सभी महिला पुरुष बहनों ने मिलके जिस तरह से आज शाका दिवस मनाया है, ये पद्मावती की याद दिलाता है, चित्तौड़गढ़ के उस इतिहास को याद दिलाता है जिसमें रानी पद्मावती ने हजारों रानियों के साथ पूरे श्रृंगार के साथ कुंड में अपना दहन किया था, जिंदा जीवित। तो इस तरह से शौर्य दिवस है, शाका दिवस शौर्य दिवस के रूप में मनाया गया। ये इतिहास को जो सरकारें दबाने का काम कर रही हैं, उनको आरजेडी सत्य ने पूरी तरह से, सब कार्यकर्ताओं ने, पटना के कार्यकर्ताओं ने, सभी पदाधिकारियों ने, महिला हमारी बहनें हैं, निशा जी हैं, और सभी महिला पदाधिकारियों ने, दुष्यंत जी का भी आगमन हुआ, मेरा भी आगमन हुआ, इसमें सबने ये यहाँ शौर्य दिवस मनाने का अर्थ यह है कि हमारा इतिहास जीवित रहे। आज इतिहास में हो क्या रहा है, जब सनी लियोनी को अपना आइकॉन माना जाता है, मुंबई फिल्म इंडस्ट्री की कुछ तथा कथित हीरोइंस को अपना आइकॉन माना जाता है, तो हमारी अगली पीढ़ी पद्मावती रानी, हांडा रानी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को कैसे याद रखेगी? तो इतिहास जब फिर से याद किया जाएगा, इसलिए यहाँ से शुरुआत हुई है, सिर्फ आरजेपी सत्ता के द्वारा हुआ है जिसमें शुरुआत हुई है ये, और यहाँ के सारे बिहार के और महिला संगठन सब ने मिल के पूरी तरह से किया, सभी जाति क्षेत्र भाषा संप्रदाय के लोगों ने पूरी तरह से मिल के ये कार्यक्रम का आयोजित किया है, जिसके द्वारा हमारी पद्मावती जो हाडा रानी, जो इतिहास हमारा रहा, चित्तौड़गढ़ का इतिहास रहा है, पीछे आपने पद्मावत के नाम पर देखा फिल्म पर, यही इतिहास है दबाने की, इतिहास को गलत तरीके से, इतिहास को तोड़ मरोड़ करके पेश किया जाता है, और इतिहास सही होना चाहिए जिससे हमारी आगे आने वाली पीढ़ी है, हमारी बहनें हैं, हमारी बच्चियाँ हैं, वो इससे सीख ले सकें। और जो आज अफगानिस्तान में हो रहा है, आज अफगानिस्तान में अगर राष्ट्रभक्ति की बात होती, राष्ट्रवाद की बात होती, तो वहाँ की सेना डटकर दुश्मन से मुकाबला करती, लेकिन वहाँ ऐसा नहीं हो रहा है। अफगानिस्तान पे तालिबानी एक आतंकवादी तरह संगठन है, उसने कब्जा कर